bum 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 चल दिए जय बोलेगी। आप लोगों को थोड़ा हर की पैड़ी का एक बार नज़ारा दिखा दूं कि बारिश के टाइम में करंट आएगा तो यार पीछे पानी में भी आएगा, जाहिर सी बात है। देखो कितना पानी भर गया इस पर भी। ये क्या नज़ारा छोड़ के जा रखे हैं नहाने वाले। का नज़ारा हरिद्वार पे जो दोनों रोड है ना भाई, इतने भर भर कताल है और जो ये कावड़िया रहे सीन है बाकी नहाने के लिए। और आज का प्लान ये है कि पहला जाएंगे मनसा देव के दर्शन के लिए, और ये रही अपनी डाक कावड़ की आधी टीम, आधी आगे पीछे हो रही है। बाकी पहले गंगा जी में स्नान करेंगे, फिर देखते भाई। और भीड़ देख यार, अभी जो सुखी नदी से देख रहे थे भीड़, और यहाँ भी देखते रहो। इस साइड में है वो भीमगोटा, और इधर पहाड़। भाई मौसम तो अभी ये है कि धूप निकल गई। ये जो भी भाई नहा रहे हैं ना गंगा जी में, पूरे मजे ले रहे हैं। बाकी हम जा रहे हैं अपनी टीम के पास, क्योंकि वो उधर में है। और शुक्र है कि अब की बार जो जल है बहुत कम है, नहीं तो मेरी हिम्मत और जो रेलिंग है ना बेल वाली, उससे थोड़ा सा भी आगे आने की ना होती तो मैं उधर ही नहाता। बाकी अब मैं भी आ गया आदमी। और ये है पंजाब सिंह क्षेत्र, ये है जयराम, जय बोलेगी। ओ भैया भाई जयकारा लगवाते तगड़े तगड़े एकदम बोल के। तो ये है भाई अपनी मुरतल वाली डाकौड़ी की टीम, महादेव मारो डुबकी मारो। देख भाई पानी कितना कम है, देखो भाई की टांग भी ना डुबरी ढकते है तो इतना ही पानी कम हो रहा है। मैं गिर गया ना गोपुर जाऊंगा और गिल्ला पावर बैंक भी जाऊंगा। और बाकी की टीम गाड़ी धो रहा है, ये ले लो कि आधी ये टीम है तो। मेरा गोबर बता दो भाई बस। वाह भाई साहब। और वो जो पुल है ना वो तो शुक्र के एक दो दो तीन पुल, वो मेन है ये पुल है कि जो धर्मशाला में रुक है ना वो आराम से आगे पार करके नहा सके। बस बस ले 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 वंदे मातरम। और ये भाई है जो फिलहाल की एडिट करी, भाई ने थोड़ी दिक्कत मेरा ना क्यों हो रही है। बस भाई न्यू मजे कर रहे हैं और ईब जाएंगे मनसा देवी के दर्शन के लिए, क्योंकि गंगा जी में नहा भी लिए हैं और मौसम भी आज बढ़िया है। देखो पहाड़ा पर बादल हो रहे हैं और धूप ना लग रहा यार, ना तो जला देगी धूप हरिद्वार की भी और ऋषिकेश की भी। और ये है शिव घाट, एक भाई वहाँ बैठा रखा सामान के पास में, क्योंकि सारा सामान वाड़े दे रहा है। लपड़ा देगा चलो। तैरने का फायदा तो जब होगा ना तो पानी खड़ा होगा, ये पानी कम है। तो भी आज न्यू चलता रहेगा, बाकी की जो सारी अपडेट कर जो भी एक्टिविटी करते रहोगे ना
हरिद्वार के अंदर वो सब दिखाओगे, बाकी मजे लो। यो भाई भी मारी गल जय बड़ेगी। जय बड़ेगी, जय। मजा तो आ रहा है भाई, आप लोगों को पता नहीं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जय बड़ेगी। तो कैसा मौसम रहा है, और पानी भी घना ठंडा रहा है क्योंकि बारिश बहुत हो रखी है। तो पीछे अब जो ग्लेशियर वगैरह थे सब पहले पिघल गए, अब बस खाली बारिश का पानी है, रेतीला। जय बड़ेगी। और भाई एक दिक्कत की बात यह है, जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी थी ट्रैवल विदाउट पैसा, वो हैक हो गई है। पिछले 3-4 दिनों से कोई पोस्ट नहीं आ रही ना कोई वीडियो, क्योंकि अभी उसी का सोल्यूशन निकालने के लिए लगे हुए भाई। इंस्टाग्राम को मेल कर रहे हैं, उनको ट्विटर पे भी किया, जीमेल पे भी किया, तो हर जगह उनको मेल किया, तो अभी दिक्कत चल रही, तो इसलिए वहाँ पर कोई अपडेट नहीं मिल पा रही हम लोगों को। बाकी आप यूट्यूब पर रहिए बात जी भाई, गला कुछ करेंगे भाई। फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया। और हरिद्वार में जितने भी कावड़ यात्री आ रखे थे ना, सब गर्मी से परेशान थे। और आज गुब्बड़ बाबा ने सुन ली, हम हरिद्वार में बारिश हो रही है भाई, खतरनाक वाली बारिश। मैं छतरी उतरी लेके आया अपना, और देख पाइप का पानी भाई खतरनाक। और पिछले आधे घंटे से बारिश चल रही है। जय बड़ेगी भाई साहब, जय बड़ेगी, बहुत जय बड़ेगी हमारे बंदे। और जय देखो भाई पानी, अरे भी ये है भीमकोटा, ये मेरे राइट साइड में, और सड़क पे पूरा एकदम पानी पानी हो गया यार। मज़ा आ गया क्योंकि मैं भी गर्मी को बहुत सहा था कि यार गर्मी कुछ ज़्यादा ही है हरिद्वार में, ऋषिकेश में, और अब बारिश से रात मिलेगी। पर ये बारिश जब डाक जल जाएगा ना यहाँ से, तो तब ना आए भाई, ने तो तब हालत ख़राब हो जाएगी। जय हो, कोई बात नहीं, नशे जय बोले कि आगे पीछे देख लो। जय तो हम जा रहे हैं, वैसे तो प्लान था कि सुबह के टाइम जाना था मनसा देवी, पर हम जा रहे हैं भाई अब बारिश में, क्योंकि उस टाइम गर्मी ज़्यादा हो गया। संग संग बोले, हम आए थे भी मनसा देवी के दर्शन करने के लिए, पर अभी बैरी लगा दे रहे, और बारिश भाई कांडो मचा रही है, भयंकर वाली बारिश हो रही है। तो मैं चलो आप लोगों को अब हर की पैड़ी का नज़ारा दिखाते हैं। इस बारिश के टाइम में भी जो कांवड़िए आ रखे हैं भाई नहाने के लिए गंगा नदी में, गजब का नज़ारा है। देखो इधर में जहाँ पे गंगा आरती होती है, ये नज़ारा उधर है, और वो रहा घंटाघर भाई। कल इससे ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि जिनको गंगा जल लेके जाना था, जो दूर की यात्रा करने आए थे, तो वो भी यहाँ से जा चुके हैं, और जो थोड़ी पास वाले हैं वो बचे हैं, बाकी आज भी निकल जाएंगे। और कल ज़्यादातर लोग 80-90% कल जल लेकर अपने घर की ओर रवाना होंगे भाई, खतरनाक रहा देख। और यहाँ पर नहीं खड़े होने दे रहे, कह रहे कि भाई इसमें करंट आ रहा तो नहीं जाएंगे भाई, अब सीधा वहीं जाएंगे हर की पैड़ी पे। अब करंट आएगा तो यार इसमें पानी में भी आएगा, जाहिर सी बात है, देखो कितना पानी भर गया इस पर भी। हाँ तो मज़ा रहा भाई, और बारिश का पानी एकदम ठंडा ठंडा हो रहे बड़े बाबा। वो तो आप रोड से देखते हो ना बड़े बाबा के खड़े हुए मूर्ति भाई, भीड़ ज़्यादा हो रखे रहे। ये तो खतरनाक हो रखा भाई, और पुलिस वाले ने पुल ही बंद करके बाकी चालू कर दिया रात को, कल बंद था ये पुल, वो आगे बार चालू था बस, तो आज जान में मन भी ऐसा नहीं हो जाएगी। जय भोलेगी। तो भाई गंगा नदी में कितना कचरा आ गया एकदम,
बाकी जितने भी कावड़ी आ रखे हैं ना, ये गंद तो फैला गया था। अभी देखो देखो थोड़ा एकदम यो कच्चे बनियान अपना सब कुछ यहीं छोड़ जा रहा है। देख ये नज़ारा, ये देखो ये क्या नज़ारा छोड़ के जा रखे हैं नहाने वाले। पन्नी भी ले लेते हैं, पन्नी भी छोड़ जाए, और ऊपर से जो कच्चे बनियान, खतरनाक भाई। ये चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए। और फिर क्या देखे आगे प्रशासन निकलते भाई से, प्रशासन क्या करेगा? देखियो क्या ढेर के ढेर पड़े थे, ये पड़ा एक ढेर भाई, ढेर पे ढेर पड़े हैं ढेर। और पानी में कुछ ज़्यादा ही कचड़ा आ गया भाई। कैमरा जय बोलेगी। बाकी एक बार जब जिसने भी जल खा लिया ना, रुक के निगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उन्हें मतलब आराम से चलना पड़े, पर वो रुक के निगा, क्योंकि जल उठाने का यही नियम है कि अगर उठा लिया तो रुकना नहीं है कुछ भी हो जाए भाई। बाकी नियम तो बड़ा कड़ा है एकदम। चलो भाई अब चल रहे हैं। बाकी ये नज़ारा है हर की पैड़ी का, बोला सामने इकट्ठा कर। जय जय हो भाई, जय हो भाई। सब अपनी श्रद्धा अनुसार, सब कोई क्यूकर जल उठा रहा, कोई क्यूकर जल उठा रहा। बाकी तगड़े देवे थे जो 150-200 लीटर का जल उठा रहे थे। जय बोलेगी भाई